उनमें से जो नीचे से तीन होंगे, हमारी टीम में जो नीचे से तीन होंगे, उनको गाइस पनिशमेंट मिलने वाला है, तगड़े वाला। और जो पनिशमेंट होगा वो क्या है, हमारा जो रोड पे आते हैं ना बीच में, रोड पे टी शर्ट निकालनी है पब्लिक के सामने, बस। पहला मार दिया भाई, आज आज बोलता शॉट भाई। जो अंकल जी गए ना उनकी जैकेट फट गई भाई, जैकेट मान जैसे भाई, बहुत खतरनाक चीज है आज तुम्हारे बिल्कुल आंखों के सामने से निकला। गुड मॉर्निंग गाइज, कैसे हो आप सब? टाइम हो रहा है 8:30, हमारा 9:30 क्वार्टर फाइनल है, और ठंड ने भी सारी मर्यादा पार कर रखी भाई। देखो अब भी बढ़िया वाली ठंड हो रही है, तो मुझे अली लेना आ रहा है, हम बस स्टैंड जाएंगे सेम जैसे पहले गए थे, और टीम में कुछ चेंजेस भी है तो वहीं जाकर पता चलेगा। अभी 2 मैच बचे हैं और फिर सीधा फाइनल खेलेंगे, अगर आज जीत गए और एक कल जीत गए। और गाइस आप देखते हो मैच के बाद ये अपने चैनल में पनिशमेंट बहुत देते हैं भाई, मजा आता है मैच में पनिशमेंट देने का, तो अपनी गलतियों का पता लगता है। जैसे हमने कम विकेट लिए थे तो आगे से लगे कि हाँ भाई विकेट ज़्यादा लेने हैं, और आज भी कुछ तगड़ा पनिशमेंट करेंगे, तो वहीं जाके बताऊंगा मैच में और सभी बंदों को कि क्या पनिशमेंट आज करेंगे। रात भाई हल्की फुल्की बारिश हुई, देखो ये गिल्ला भाई अली का, आपको बताऊँ एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ वो पहले आया हो, हमेशा मैंने अब तक जब तक मुझे याद आ रहा है मैं ही पहले आता हूँ, और कम से कम 15-20 मिनट वेट कराता है। और आपको बताऊँ जो 7 बजे का मैच बताया था, और अब 8:30 बजे भाई अब तक नहीं आया, अभी फ़ोन कर रहा, फ़ोन भी नहीं उठा रहा। अगली बार इसका इलाज ऐसा बांधूंगा, कुछ सोचूंगा तगड़े वाला, इसे बुला बुला कर आधे घंटा आने करने से खड़ा रखूँगा। कोई बात नहीं, ठीक तो और जल्दी आया, कोई दिक्कत नहीं। तेरा भाई ना गेट पता कितने खुलवा, कैसे खुलवाया अब तो 15 मिनट से कर रहा है क्रिकेट कसम, 15 मिनट से करना नहीं, सिर्फ 4-5 मिनट में हेरा फेरी कर दी तू। और भाई घर से बात करा जाए तो ना पहुंचे, चल कोई नहीं, लेट तो हो जा, इतनी बड़ी बात थोड़ा, लेट की लेट कहां हुआ ना, कोई दिक्कत नहीं, लेट लाट हो जा, लेट हो जा, कोई दिक्कत नहीं, बैठ जल्दी। लेट तो हिस्सा है यार लाइफ में, लेट ना हो तो क्या दिक्कत है यार, किट बैग लाना एक टास्क था। हां कोई दिक्कत नहीं, लेट हो जा। पार्किंग में लगा रहा भाई, मेरा ना खून फूक जा जब कोई लेट आओ, और लाइफ में कभी मतलब हर टाइम में वो वैसे ही रहेगा, अगर वो लेट आ रहा ना तो लाइफ में वो ऐसे ही रहेगा, तो ये हमेशा लेट आओ तो मेरा खून फूक जाए, इसका ना इंतजाम बहुत तगड़े वाला बांधूंगा मैं। अभी तो मनीष और आ गया उधर, ये रख दिया किट बैग, ये कर दे बंद। गए जी देखो ये होटल है ना, जो ये हमारे साथ ही प्रैक्टिस करते थे मधुर भाई, तो यहाँ पे ना अभी आपको बताऊँ हमारी पार्टी हुई थी 1-2 दिन पहले, वो थोड़ी सी आप क्लिप देख लो। देखो सुन भी आप बहुत दिन बाद देख रहे हो, ये फेसल वेसल कर, बाल तो दिखा दे अपने। यार काले कर लेते हैं भाई, अभी भी सर्द लगी बहुत तगड़े वाली, या पूरी कटोरी कल की छोड़ दे आज ही बता, या पूरी कटोरी खुआ रहा भैया मैं एक लुंडे पर। बताओ जी लगाओगे कुछ सोयल बता रहे तो हाँ ना करो तो कोई से आप दिखा दो यार हैं आप भैया सोयल को पकौड़ी खाई थी मेरे से, ये निकाल पड़ेंगे फिर उल्टी, ये तो देखो ज्यादा हरी बैठे ने मेरे साहब से तो पूरी निकाल दो, ये चर्च नहीं आया मेरा, हां मेरा चर्च नहीं आया क्या, चुका के मेरा कड़वी का है, कड़वी कड़वी खा के देख लो, कड़वी है ज्यादा मिर्च है इसमें, अरे भैया तुम हाँ ना बताओ फिर, अरे चिड़चिड़ी है कुछ आई नहीं मिट्टी है, देख भाई नहीं नहीं आपका तो पूरा नाम है ये ना यार, ये भीड़ ना बनकर भीड़ लग रहा। तो गाइस आपको एक चीज बतानी है, इनमें से ये सबके चेहरे आप देख लो, अपने घर जा, और एक ये हो गया, अब ये देख के बताओ कि ये बिल जो सारा बिल फट रहा है किस पे फट रहा है, ये बताओ देख के, अगर आपने सही गैस कर लिया चुप रही, तो आपको 5 लाख करने का इनाम मिलने वाला है, इस वीडियो के सीधा बाद गूगल पे नंबर डाल देना अपना। अब तक आपने नहीं पहचाना है, हमने तो खाना खत्म कर लिया यहाँ, तो मैं आपको बता दूं मामला क्या है, मामला है आज तो भाई ये जो मामला है इसका जन्मदिन है देसी का, और ये इसके साथ वैसे ही आ गया, तो भाई ये आज पूरे कितने साल का हो गया, 18 शुरू से तेरी गर्म सच्ची में सोचा था नींबू पानी पीने का, जब मैं पहली बार आया नींबू पानी, एक बार यूरा कह रहे थे पिए पानी पीने का है क्या, गुलशन पीने गया था। ओके मधुर भाई मिलते हैं फिर, तो ये गाइस अपने मधुर भाई हैं, बचपन से साथ खेले हैं,
और रुड़की में तो भाई जो आस पास के होंगे, हमारा बस स्टैंड है और यहीं पे मधुराई मिलता है, तो फिर मुलाकात होगी। ओके भैया, क्या क्या कह रहा, क्या छल्ले बनाने सीखने? अच्छा, ये गाइस वो वीडियो तो आपने देख लिया। मैं आपको असली बात बताऊं, जो लाइफ में ना ऐसे लेट करता है ना, ऐसे लेट करता है वो लाइफ में ना, 9:30 बजे का टाइम था और टाइम देख के और ओए भाई मैं टाइम था और मैंने तो 7:30 बजे कहा था, और जो जैसे लेट हुआ जो लाइफ में ऐसे, वो तो देख लिया की वजह से, मेरी वजह से हुआ। गाइस 9 बजे घर से बाहर निकला है, ठीक है ठीक है, मैं बहुत तेज लेके आया और ये बता इसे घर से उठाना। देखो ये होता है अगर मेरे पास वीडियो ना होती ना, तो देख लो ये ऐसे ऐसे सच्चे हो जाते हैं फिर। तो बताओ ना भाई, अगर लाइफ में आप लेट हो रहे हो, कॉफी पिला दूंगा जो टाइम के दिक्कत। अच्छा चलो गाइस, ठीक है, लेट वाली काम यहाँ पे। तो यहाँ का मौसम देखो भाई, बढ़िया वाली धूप निकल रही है हरिद्वार में। गाइस आज भी होने वाला है कुछ खतरनाक, यहाँ ना रुक के लेके छक्के यहीं आवेंगे। आज बहुत तगड़ा मौसम हो रहा, मजा आ गया, बहुत दिन बाद धूप देखने को मिली और विकेट विकेट सब तैयार, इधर से दिखा दो। ये तो ली गांड खाना है यार, मैं तो देख रहा है घंटे से। एक भाई ने पता क्या बोला क्या बेटा उसमें, क्या तुम हमेशा घर से खाना खा के नहीं आते? घर से खाना ना खाने के कारण क्या, मैं रूम से आता हूँ और वहाँ और मैं यार मैं इनके लिए लाता हूँ, मेरे को ख्याल रखना पड़ता है यार। तो ये तेल के लाता हूँ उस प्लांटे, ये फ्रेंच ये देखे ट्राउजर पहन का है सर। तो इसने अभी एक डिसीजन लिया कि यहीं बैठ लो, वहाँ एक आधा नहीं आने का, तो डिसीजन को ये सराहना कर सकता हूँ। मतलब आज पूरी पूरी ये रोज ही पोल खुलवा रहा, आज पूरी बताओ उस दिन पराठे थे बना के भेज देंगे। इतनी लंबी सॉक्स इतने ले रहा, अबे रुक जा भी, लोअर तो हटा गाइस, ऊपर करके देख। जब मैं पैड बांधता था ना यहां तक आई तो मेरे यहां से छिल जाता था वो। अच्छा। छोटी सॉक्स होती थी, अब की बार मैंने सोचा बड़ी सॉक्स लूंगा क्योंकि बहुत दिक्कत हो गई भागने भूगने में। दिक्कत तेरे दिमाग में और कहीं दिक्कत नहीं है? अरे इनका लोअर ऊपर रहा ना पैड में, सॉक्स लाया अभी पजामा। भाई विकेट में चोंदना देखो यहीं से लग रही है, बढ़िया सुखा हुआ लग रहा। दो दिन सिर में दर्द रहा, बताऊं इसका पहला 100 आ चुका है और इसके मैच के बाद इसमें भी 100 कर दिया था भाई। पर तूने उस व्लॉग में कहा गाइस ये ना सकता है और यही ना आया, बता दिया तो कुछ हो रहा चैलेंज वो बता दूंगा अभी। पर तेरा पहला 100 है, देखता हूँ चार ही लाइफ में तरंग ला रही है। अगर लाइफ का पहला 100 आवा तो क्या करना चाहिए? बहुत खुशी की बात है, नहीं है नहीं आना उन्होंने, वो तो उधार दुआ दे 120 रुपए का टिकट था। उधार भी भारी पड़ जाएगा, इसको उधार भी दे सकता है कोई है पता तो भाई बाद में इससे पार्टी लेनी आज पक्का। तो सो चुका है और आज हमारी फील्डिंग है, तो पनिशमेंट बता दो भाई सबको क्या होने वाला है, बता दो भाई। नाने वाला दोबारा कर लो तो मेंटेशन कर रहा, तन्ने तो क्या कर लिया ने जाकर मुर्गा मच्छी बेल दी होगी चावल के साथ ही, गर्मी सी होगी होगी मारा नहीं चलता। मामला क्या बनेगा, जैसे हमारा मैच क्रिकेट रोड पे चल रहा है, जो एमवीपी होता है ना पूरे मैच की परफॉर्मेंस, जो बेस्ट परफॉर्मेंस देते हैं उनमें से जो नीचे से तीन होंगे हमारी टीम में, जो नीचे से तीन होंगे उनको गाइस पनिशमेंट मिलने वाला है तगड़े वाला। और जो पनिशमेंट होगा वो क्या है, हमारा जो रोड पे आते हैं ना बीच में, रोड पे टी शर्ट निकालनी है पब्लिक के सामने, बस सीधा सा सिंपल सा पनिशमेंट है। सारे एग्री हो भाई? अली भैया तो यार हमारे सामने, सारे एग्री हो? किसको निकाल लेंगे? अली अली पहले ही बता दे भाई, जिन्हें करने का मौका मिलेगा वो नहीं कर पाए उनमें से जोड़ा जाएगा एमवीपी, यानी कि जिसकी लास्ट ओवर बैटिंग आई उन्होंने एक दो बॉल खेल ली उसका जोड़ने का, ठीक है? क्या कह रहा गाइस, केले की फली खा लो। तो भाई बैट्समैन आ जाओ ना, क्या सुहेल भाई बहुत अच्छे बोल डालते हैं यहाँ पर, ये विकेट गिर गया है सुहेल भाई ने, शॉट यार। और 4 ओवर में 25 रन एक विकेट के नुकसान पर मनीष भाई आए हैं बॉलिंग पे, और ये आउट आ चुका है क्रीज पर और यार बॉलिंग। टेंस बॉल पर क्या होता है वो बॉलिंग यार, और
और गाइस एक और विकेट गिर चुका है, अब 3 विकेट हो चुके हैं इनके 25 रन पर। बॉलिंग भैया, बॉलिंग यार, बॉलिंग यार, बॉलिंग। और 7 ओवर में 25 रन हो चुके हैं। क्या शॉट, गुड कैच सुहेल भाई, गुड कैच। गाइज आपको बताऊं, 7 विकेट हो गए उनके और ज़्यादातर आपने सारे विकेट देखे होंगे और रन अभी 35 के करीब हो रहे हैं, तो अभी तक तो हम पूरे ऊपर हैं, देखते हैं कितने रन बनाएंगे वो। और मैंने अभी तक बॉल नहीं डाली और मैं बताऊंगा, आप बोल रहे थे कमेंट बॉक्स में भाई कि भाई आप छोटे रन से बॉल क्यों डाल रहे हो ये सब, तो मैं बताऊंगा आपको पूरी डिटेल में कहानी क्या है, मैं छोटे रन से क्यों डाल रहा हूं और इतना लेट बॉल क्यों डाल रहा हूं, तो पहले देखते हैं। और एमवीपी का हिसाब में तो अभी मैं आपको बताऊं, मनीष सबसे ऊपर लग रहा है मुझे, मनीष ने रन आउट भी कराया, एक विकेट लिए और फिर दीपक भी अच्छा बॉल डाल रहा है, तो देखते हैं। विशाल भैया बहुत ही अच्छी बॉलिंग करते हुए, बॉलिंग है भैया, अरे आप फटे यार भैया, बॉलिंग यार गाजी बहुत बढ़िया। और लाल टोपी में जो है विशाल भैया है, और अपने पहली विकेट की तलाश में विशाल भैया यहाँ पर, यार बॉलिंग यार भाई, और ये लास्ट विकेट है, 66 रन हो चुके हैं यहाँ पर और ये विकेट ये गिर चुका है, एक और विकेट हो चुका है। एक दो तीन जय माता दी, एमवीपी का भी हिसाब बताएंगे तुम्हें कौन कहाँ है, विकेट नहीं मिला ना आपको, विकेट मेरा तो है नहीं भाई, बताऊंगा पूरा हिसाब बैठ कर आराम से, और बस 66 बनाने हैं बस। और गाइस आपको बताऊं ना, यहाँ पे आप देख लो अभी तक बॉलिंग में किसने क्या किया, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, और एमवीपी ना लास्ट में ही आएगा किसने क्या किया। तो चाचा का भी सबसे ऊपर नाम है, सबसे नीचे है अभी चाचा, अगर बैटिंग में कुछ नहीं कर पाएंगे ना, तो भाई 2 ओवर में 9 रन दिए, क्या 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 किया, ओपनिंग कार्ड और ली जा रहा है इन पे, सुनहरा मौका है एमवीपी अपने रेट बढ़ाने का, इतनी खुशी हुई थी वेंडिस को विकेट लेने के बाद, पूरा गुंडा है ये, बता दो ये जो हम 66 रन कितने ओवर में चेंज कर सकते हैं, देखते हैं कौन कौन बंदा सही होगा, यहीं से कमेंट कर दो, जो भी पॉज करके वीडियो है कमेंट कर दो, फिर देखते हैं। गाइस दोनों ओपनर चले गए हमारे, फील्डर लग गए, तो यहाँ से आप पूरा नज़ारा देखना मैच का, इन दोनों में से अगर किसी ने भी रन नहीं करे ना तो एमवीपी में सबसे नीचे ही जाएंगे, तो ये देखना है बस बैट्समैन को, ये खास बात रखनी है, खास बात। पहली बॉल, पहली कोई रन काउंट नहीं होगा गाइस, ये देखो कोई वर्ड नहीं है इसके लिए मेरे पास, कल ब्रेड पकोड़ा खा रहा था भैया, मैं नहीं खा रहा इसका दीपक का, कल ब्रेड पकोड़ा, करीम रोल गाइस, करीम रोल, करीम रोल, ये तो बासी होगा, बासी हो जाएगा मेरा, तुझे नो बढ़िया बढ़िया गाइस, हमारे बैट्समैन थोड़ा टाइम ले रहे हैं, और थोड़ा इसकी अच्छी तरह एक्सरसाइज और करूँगा, और एक बार मैंने एमआरआई अब तक नहीं करा इसका, वो करा के फिर पूरा क्लियर हो जाएगा कि थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है या बड़ा प्रॉब्लम है, वो आगे क्लियर होगा, पर अभी चल रहा है मतलब बैटिंग वैटिंग में कोई दिक्कत नहीं होती, बॉलिंग में छोटे रन से दिमाग से रहता हूँ, यही कर रहा हूँ। ओह भाई अली आउट हो गया, पहला बंदा लग रहा है मुझे जो सबसे नीचे पहुंच गया है, अली आउट क्यों हो गया, गाइस 3 ओवर 7 रन हो रहे हैं, गाइस 5 ओवर में 12 रन है सिर्फ और 1 विकेट, शॉट यार, छक्का, अरे भैया
वेरी गुड यार, शाबाश, बहुत अच्छी। गाइस कढ़ी चावल ये खा रहा है, कढ़ी चावल आ गए। गाइस वासु बैटिंग पे चला गया है मेरे आउट होने के बाद, और 27 रन है हमारे 8 ओवर में। शॉट है यार। गाइस वासु ने 2-3 कवर पे बहुत तगड़े एक चौका एक छक्का मार दिया है, और रन हमारे 50 होने वाले हैं, और 20 रन रह गए बस जीतने के लिए। मैं बोलना नहीं होगा आज, आज बोलता शॉट। 11 रन रह गए गाइस। चलो कैसे बोलो सारे समझदारी, गाइस फाइनली हम मैच जीत गए, और अब एमवीपी आ गया होगा पूरा, आपको बताऊंगा कि कौन कौन है लास्ट 3। मुझे दवाई लेनी पड़ रही है, मेरी तबीयत थोड़ा खराब है। चंडीगढ़ आ चुका है और दूसरी टीम से आज खेलना है, तो चंडीगढ़ कैसा आपका अनुभव, कैसा आपने बताया भी नहीं सीधा यहाँ पहुँच गए आप। गाइस प्रैक्टिस हमारे ग्राउंड पे कर रहे हैं, क्वार्टर में तुम कहा था मुझे पानी पूनी पियाने पर रख लो, तो क्वार्टर फाइनल खेलना है चंडीगढ़ जी आप। हाँ। तो आज आप क्या परफॉर्मेंस लग रही है आपको, आज आप क्या करने वाले हो? और हर्ष भी भाई इनकी टीम से ही है, हर्ष सर दोनों। अच्छा, और तेरी बॉलिंग में तो बता। मेरी बॉलिंग में 3-4 विकेट है। 3-4 विकेट मान लो, 1 विकेट का फर्क है 3 और 4 में, तो 3 मान लो 3 विकेट है। और मैच जीत रहे तुम, हार रहे? जीत रहे, हारने का तो कोई मतलब ही नहीं। अच्छा, शुरू होने वाला है मिलना सेमीफाइनल में। अच्छा जी, तो गाड़ी हमारी दोनों तैयार है, जहाँ परफॉर्म होना है, जो हमारे नीचे वाले प्लेयर्स थे वहाँ हम चल रहे हैं, और उसमें आपको बताऊँ किस किस तरह है, वहीं आके मैं पूरा आपको डिटेल बताऊँगा क्या क्या सीन बन रहा है। तो यहाँ से फिर सिर्फ 3 मिनट का है जहाँ वो चुराया है, जहाँ पे पब्लिक होगी। तो ये टास्क कैसा लग रहा है आपको, जो हमने आज डिसाइड किया था, जो रन नहीं करेंगे सबसे नीचे रहेंगे एमवीपी में, वो क्या करेगा, वो टी शर्ट लगाएगा अपने पब्लिक में। हाँ तो ठीक है, बहुत बढ़िया, ऐसे मतों में उत्तर हार जाता टी शर्ट सारी चीज का रहता भाई। तो भाई और कर देखो, ये यहाँ हमने गाड़ी रोक ली बीच में, तो जमा तुम देखो तोड़ के नहीं, कौन जीता हट के सर भैया टाल तो सो लिया वहाँ। गाइस ओ भाई बाजू को चिपका के चला गया। गाइस हम आ गए यहाँ से, हम चुराहे तक जाएंगे आगे तक। मेंडी तैयार हो जा, क्या हो गया तुझे? ये तो मैंने कुछ करा ही नहीं जब करने के लिए। भैया भैया पट्टा रेडी है अपना, अली भैया रेडी है। गाइस अब आपको बता दूं फाइनली कौन कौन डिसाइड हुआ है, सबसे पहला नाम तो मेरा आ रहा है इसमें, और हिमांशु। गाइस इधर हर बार ना, हर बार में ही फंस रहा, समझ में नहीं आ रहा चक्कर क्या हो रहा है, एयर को जाओ फिर। गाइस चक्कर कुछ नहीं है, ओवर नहीं मिल पाया टाइम पे बस। ओ बॉडी बॉडी यार, और ये पप्पू पप्पू डंगर, ताल लो बिस्कुट बाद में खा लियो, बिस्कुट बाद में खा लियो, बिस्कुट खा के नंगा गैंग अली भैया उतार चल कभी बनाऊ असल से इसकी तो गाइस तो यहाँ आज नंगा गैंग आज निकल पड़ी है। गाइस आज ये अलग ही बना, चलो 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 चलो, क्यों नहीं करते परफॉर्मेंस, क्यों नहीं सीखते मेरे से, मेरे से सीखो ना। ओ माता इधर ताऊ ताऊ
फाइनली हमने कंप्लीट कर दिया, देख लो ये दो फ्री था, इनका नाम भी नहीं था पर हमने करा दिया। गाइस ये हमारे दोस्त ना भाई, अपन निकाल इतना लात, वो तू लात मार गया इसकी पतंग तोड़ी देना, ये तो ऐसी थी इन्हें तोड़ी बाबू, बाबू इन्हें तोड़ी पतंग, पतंग तो हां सॉरी सॉरी गाइस। अब निकलते हैं यहां से और हमने कंप्लीट कर लिया जो पनिशमेंट था हमारा, और आगे और अच्छे अच्छे ऐसे पनिशमेंट हम लाते रहेंगे क्योंकि मैच में भी सीखने को मिलेगा और जो अच्छा नहीं करेगा उसे फिर पनिशमेंट। और गाड़ी पूरी फुल होगी भाई, देखो बैग कहाँ टंग रहे, देख लिया आपने, देख लो अच्छे तरह, ठीक है देख लिया आपने। और गाइस ये देखो पापा के परी ने कहते हैं, देखो ये देखो ये गाइस ये सामने आपको रिजल्ट पूरा देख लिया आपने, क्या सीन है देखो, इधर तो वो रख रखे बैग साइड में और जो इतना बड़ा बैग सब कुछ अंदर गुस्सा वाला लड़का बैठा हुआ है। पहुंच गए गाइस फाइनली वी रीच उड़ के भाई वहां से तो आगे हम सीधा अकेडमी जा रहे थे ना, एक केस भाई अभी तकड़ा हो गया था वहां से आ रहे थे ना, मनीष ने तो हमें छोड़ दिया था, मन जो आ गया था भाई बिल्कुल, मेरी तो आखिरी टाइम में नजर पड़ी और इसके सामने टोपी भी लगे, इसकी टोपी गिर गई और भाई जी का हाथ भी कट गया। चलो ये तो हल्का ही, इसे तो लगा ले कुछ हल्दी वल्दी। अरे एक अंकल जी जा रहे थे, उनके तो यहाँ से फट गया पूरा, बच गए यहाँ से फटा, जो अंकल जी गए ना उनकी जैकेट फट गई भाई, जैकेट मान जैसे भाई बहुत खतरनाक चीज है आज तुम्हारे बिल्कुल आंखों के सामने से निकला बिल्कुल। भाई जो भी इस टाइम देख रहे हो देखो हमारे साथ हो गया, बच की जान सबसे बड़ी बात, अगर गर्दन वर्दन आया भाई इतनी तेज था मैं एकदम गया था, यहाँ किस तरफ फंस गए गोवा का जा रहे थे गाड़ी वाले ना काट के ना, अच्छा मुझे उधर जा रहा था काकीपुर उतरना था। गाइज व्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक मारो, और ऐसे ही व्लॉग चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब मारो, और आपका भाई इंस्टाग्राम पे भी सेम अकाउंट है क्रिकेट एट विशाल, वहाँ पे भी सपोर्ट दिखाओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू गाइज। बाबा हमारे जोड़ रहे इधर को चल कॉन्फिडेंस है, कौन सा करवा रही है मेरे को, कर ले भाई तू पूछ जा।